नमस्कार छात्रों, आज हम क्लास टेंथ का पाठ है, कविता है रादर, आत्मत्राण, उसके एमसीक्यू करेंगे। आशा करता हूँ ये आपको पसंद आएंगे और आप अपने एग्ज़ाम में इनको अटेम्प्ट करेंगे, तो अब जो इसमें लिंक है हमारे इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जब आप उसको अटेम्प्ट करेंगे तो आपको सारे एमसीक्यूज जो आ सकते हैं आपको उन सब के आंसर्स याद हो जाएंगे। तो पहला सवाल और एमसीक्यू, कवि दुखों पर कैसे विजय पाना चाहता है? हंसते हंसते, प्रार्थना करके, रोकर या स्वयं संघर्ष करके? तो बच्चों, इसका जो सही जवाब है वो स्वयं संघर्ष करके। कवि चाहता है कि वे दुखों पर खुद संघर्ष करे और उन पर विजय पाए। अगले सवाल पर चलते हैं। कवि क्या है? शाक्त, नास्तिक, पाखंडी या आस्तिक? तो बच्चों, इस कविता में कवि क्या है? शाक्त है, नास्तिक है, नास्तिक मतलब भगवान को नहीं मानता, पाखंडी है यानी कि पाखंड करता है, या आस्तिक है? सही जवाब है इसका आस्तिक। अगले सवाल पे चलते हैं। कवि ईश्वर से प्रार्थना कर क्या कहता है? सभी संकटों से लड़ने की शक्ति मिले, उस पर कोई मुसीबत ना आए, उसे मुसीबतों से बचाया जाए, या ये सभी? हम जानते हैं कवि ईश्वर से इस कविता में प्रार्थना करता है कि वह सभी संकटों से लड़ने की शक्ति पा सके। अगले सवाल पे चलते हैं। आत्मत्राण कविता किसके द्वारा लिखी गई है? कैफी आजमी, रविंद्रनाथ टैगोर, कोई नहीं, या इनसे कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर। कवि कठिन परिस्थितियों में भी क्या नहीं करना चाहता? जीतना, हारना, खुशी मनाना या दुख मनाना? तो बच्चों, कवि जो है इस कविता में कठिन परिस्थितियों में क्या नहीं करना चाहता? हारना नहीं चाहता, वो जीतना चाहता है हर कठिनाई में। अगले सवाल पे चलते हैं। ये कविता मूल रूप में किस भाषा में लिखी गई है? बांग्ला भाषा में, उर्दू में, उर्दू फारसी में, या ये फारसी में लिखी गई? हम जानते हैं ये कविता के कवि हैं रविंद्रनाथ टैगोर, जो बांग्ला भाषा में लिखते हैं, इसलिए बड़ा इजी सवाल है, इसका जवाब है बांग्ला भाषा। अगले सवाल पे चलते हैं। कवि संकटों का सामना किसकी मदद से करना चाहता है? किसी की मदद से नहीं, ईश्वर की कृपा से, स्वयं या दोस्तों की मदद से? तो बच्चों, आप इस कविता में आप हमेशा देखेंगे जो कवि है वो खुद को स्ट्रांग, खुद को मजबूत बनाना चाहता है, तो इसका जवाब है कवि संकटों का सामना स्वयं की मदद से करना चाहता है। अगले सवाल पे चलते हैं। कवि किसे वहन करना चाहता है? दानों को, दुखों को, रिश्तेदारों को या सुखों को? तो बच्चों, इसका जो जवाब है, कवि दुखों का वहन करना चाहता है। अगले सवाल पे चलते हैं। इस कविता की रचना किस छंद में की गई है? दोहा छंद, मुक्त या कविता? चार टाइप के हैं छंद ऑप्शन, दोहा छंद, मुक्त या कविता। तो बच्चों, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये कविता की रचना मुक्त छंद में की गई है। अगले सवाल पे चलते हैं। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना के अलावा हम और क्या करते हैं? आत्मविश्वास पर भरोसा करते हैं, मेहनत करते हैं, दूसरों से प्रेरणा लेते हैं, या ये सभी चीजें करते हैं? तो बच्चों, हम जब भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं या प्रार्थना करते हैं, उसके अलावा हम आत्मविश्वास पर अपना भरोसा रखते हैं, मेहनत जरूर करते हैं, जब तभी इच्छाएं पूरी होती हैं, नहीं तो आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। आप जम के मेहनत करेंगे, पक्का आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। दूसरों से प्रेरणा लेते हैं यानी कि मोटिवेशन आपको मिलता है, आप औरों को काम करते हुए देखते हैं, मेहनत करते हुए देखते हैं, आप उनसे मोटिवेट होते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। तो इस ये सारी की सारी बातें इस पे वैलिड हैं, तो इसका सवाल जवाब है सभी। अगले सवाल पे चलते हैं। कवि ईश्वर से क्या चाहता है? धन ऐश्वर्य, मुसीबतों से बचाव, भय से मुक्ति और संकट से जूझने का साहस, या ये सभी? तो हमने पहले भी बताया है कि कवि इस कविता में हर जगह अपने आप को स्ट्रॉन्ग और
लड़ने के लिए तैयार रखना चाहते हैं। इसका जवाब है भय से मुक्ति और संकट से जूझने का साहस। अगले सवाल पर चलते हैं। सुख के दिनों में कवि क्या करना चाहता है? दूसरों को कोसना, काम, भजन या ईश्वर को स्मरण? तो बच्चों, सुख के दिनों में कवि चाहता है कि वो ईश्वर का स्मरण करे, भगवान का ध्यान दे, तो इसका सही जवाब है ईश्वर का स्मरण। अगले सवाल पे चलते हैं। आत्मत्राण शीर्षक की क्या सार्थकता है? विश्वास न डगमाने डगमगाने की प्रार्थना आत्मबल प्रदान करता है। यह कविता के मूल भाव अपनी रक्षा स्वयं को स्पष्ट करता है। या एमसीक्यू कोई नहीं, तो हमने बार बार एमसीक्यू में देखा है कि यह कविता मूल भाव से हम अपनी खुद की रक्षा खुद करें, स्ट्रांग बने, किसी पे डिपेंडेंट ना हो, इसको दर्शाता है या बताता है या मैसेज देता है। तो इसका जवाब है यह कविता के मूल भाव यानी कि अपनी रक्षा हम स्वयं करें को स्पष्ट करता है। अगले सवाल पे चलते हैं। कवि किससे हार नहीं मानना चाहता? ईश्वर से, खुद से, मन से या दोस्तों से? बच्चों ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि खुद से भी हार नहीं मानना चाहता कवि, लेकिन इसका सही जवाब जो आपको सिलेक्ट करना है वो है मन से। अगले सवाल पे चलते हैं। त्राण से क्या भाव है? रक्षा करना, दुख हरना, दुख देना या सभी? तो बच्चों हमने जैसे बार बार इस कविता में समझा है, आत्मत्राण, खुद को स्ट्रांग बनाना, खुद को सेव करना, खुद की रक्षा करनी, तो आत्मत होता है खुद, त्राण रक्षा, तो त्राण से भाव है रक्षा करना। अगले सवाल पे चलते हैं। रविंद्रनाथ की कविता की शैली कैसी है? हास्यात्मक, भावात्मक और आत्मकथात्मक, कठोर या इनमें से कोई नहीं? तो हमने देखा है इन सब पूरी इस कविता में बहुत सारे भाव और आत्मकथाएं जो डिपेंडेंट सारे लाइन्स हैं रविंद्रनाथ जी की, इसका जवाब है भावात्मक और आत्मकथात्मक। अगले सवाल पे चलते हैं। कवि ईश्वर से क्या नहीं चाहता? दुख सुख, सुख दुख या सांत्वना? तो कवि जो है ईश्वर से सांत्वना नहीं चाहता। अगले सवाल पे चलते हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर की कविताओं में किस भाव की अभिव्यक्ति हुई? मानव प्रेम की, राष्ट्र प्रेम की, अध्यात्म प्रेम की या इन सभी की? तो बच्चों हमने देखा है रविंद्रनाथ जी ठाकुर जी की जो कविताएं हैं उनसे मानव प्रेम भी झलकता है, राष्ट्र प्रेम भी झलकता है, अध्यात्म प्रेम भी झलकता है, तो इसका जवाब सभी है। अगले सवाल पूछते हैं। कवि ने परमात्मा के किस रूप की आराधना की है? रौद्र रूप की, करुणामयी रूप की, श्रृंगारित रूप की या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों कवि ने परमात्मा के जिस रूप की आराधना की है वो है करुणामयी रूप, मतलब करुणा से भरपूर। अगले सवाल पे चलते हैं। दुख के दिनों में कवि क्या करना चाहता है? दूसरों को कोसना, काम, भजन या ईश्वर को स्मरण? या आप याद रखना, दुख और सुख दोनों में कवि ईश्वर को ही स्मरण करना चाहता है। अगले सवाल पे चलते हैं। कवि ने किसके न हिलने की प्रार्थना की है? चांद के, तारों के, हिमालय के या आत्मिक बल के? फिर से मैं आपको ये रिपीट कर रहा हूँ, ये पूरी कविता जो बेस्ड है खुद को स्ट्रांग बनाने के लिए है, खुद संघर्ष करने के लिए, अपने आप को मजबूत बनाने के लिए है, अपने आप को बलवान और आत्मिक बल को बढ़ाने के लिए है। इसका जवाब है आत्मिक बल के, न हिलने की प्रार्थना। अगले सवाल पे चलते हैं। कवि किस पर विजय पाना चाहता है? दुखों पर, दुश्मन पर, दोस्तों पर या स्वयं पर? तो जो कवि है वो जो विजय पाना चाहता है वो दुखों पर विजय पाना चाहता है, अपने आप को स्ट्रांग बना के दुखों को पार करना चाहता है, तो इसका जवाब है दुखों पर। अगले सवाल पर चलते हैं। इस कविता में किस रस की प्रधानता है? श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस या शांत रस? ये आपको याद रखना पड़ेगा, इस कविता में शांत रस की प्रधानता है। अगले सवाल पे चलते हैं। रविंद्रनाथ की भाषा की विशेषताएं क्या है? मार्मिकता और रोचकता, लय और ताल, संगीतात्मक या ये सभी? तो हमने देखा है उनकी कविताओं में ये सब चीजें झलकती हैं, तो इसका जवाब है सब। अगले सवाल पे चलते हैं।
ठाकुर की कविता में किसके दर्शन अधिक होते हैं, माता के, भावुकता के, देशभक्ति के, या इनमें से किसी के नहीं? तो जो ठाकुर की कविताएं होती हैं उसमें हमें जो भावुकता है, भाव होते हैं, उनके दर्शन अधिक होते हैं। तो इसका सही जवाब है भावुकता। कवि को कौन सा पुरस्कार पहले भारतीय के रूप में मिला, पद्म विभूषण, पद्म या नोबल पुरस्कार, या इनमें से कोई नहीं? तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, जो कवि हैं उनको भारतीय रूप में सबसे पहले नोबल पुरस्कार मिला। तो सवाल पे चलते हैं। तुम पर करूं नहीं कुछ संशय, इसे क्या तात्पर्य है? कवि ईश्वर पर शक करता है, कवि ईश्वर को शक्ति प्रदान करने को कहता है, किसी भी स्थिति में कवि ईश्वर पर शक नहीं करना चाहता, कवि फूक फूक कर कदम रखना चाहता है। तो ये बड़ा सिंपल है, तुम पर करूं नहीं, तुम पर करूं नहीं, मैं तुम पर नहीं करूं कुछ संशय, संशय मतलब शक। तो कभी शक ना करो, किसी भी स्थिति में कभी ईश्वर पर शक नहीं करना चाहता, इसका सही जवाब है। अगले सवाल पर चलते हैं। कवि की अनु ने क्या है, दुखों को सहन करने की शक्ति, दूसरों से सहायता की, दुखों को दूर करने की, या इनमें से कोई नहीं? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसमें हमने अपने आप को स्ट्रांग बनाने की ज्यादा भावनाएं देखी है कभी 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 के द्वारा। और इसका जवाब है दुखों को सहन करने की शक्ति। सवाल पे चलते हैं। रविंद्र संगीत किसको कहा जाता है, रविंद्र के गीतों को कविताओं को, या किसी को नहीं? तो बच्चों ये बड़ा आसान सा MCQ है ये वाला। रविंद्र संगीत यानी कि रविंद्र जी का गीत, रविंद्र के गीतों को रविंद्र संगीत कहा जाता है। सवाल पे चलते हैं, ये शायद आखिरी है। कवि ने करुणा में किसे कहा है, ईश्वर को, दोस्तों को, लोगों को, या स्वयं को? बच्चों हमने पहले भी एक MCQ किया था, उसमें भी ईश्वर को करुणा में बताया गया था। तो इसका जवाब है ईश्वर को। और अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, इस टाइप का मैं MCQ जो प्रेजेंट करता हूँ, जिसमें मैं बताता भी हूँ और कोशिश करता हूँ कवि की कविता या नॉर्मल जो पाठ हो मैं उसको समझाने की भी कोशिश करूँ, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।